Drama. शूटिंग के एक दिन पहले तो दोस्तों आज हम आए हैं भरत भाई और अपनी शॉपिंग करने। शर्मा कोई नहीं रहा है, हंसाया जा रहा है जो इसके बैकग्राउंड में। कल ही के दिन हमारा शूट वन है और अभी तक लास्ट टाइम पे सारे चेंजेस आ गए हैं। सबसे बड़ा टास्क ये है कि हम उस चीज़ को ढूंढ पाते हैं या नहीं। हमारा पूरा शूट एक दिन डिले हो जाएगा। चलो ढूंढते हैं। विद ऑल द रिजेक्शन सर कैसा लग रहा है? कुछ अच्छा मिल नहीं पाया? कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हार के जीतने वाले को भरत भाई कहते हैं। हम लोग यहाँ पे हाजिर हो गए हैं। कल सुबह 7 बजे का शूट है, से हालत ख़राब है। अब देखते हैं अंदर क्या बातचीत चल रही है। सबसे लेट में ही आऊँ पर क्या करें, अभी भी चलता है। टेस्ट चल रहा है, टेस्ट। अपने धीरज भाई को दिखाओ। ये धीरज भाई हमारे दुबई से हैं। सीधे दुबई से लैंड करवा। यस यू आर द लकी वन। लकी वन। ये हमारे खाना आ चुका है। वाह क्या सीन है। खाएंगे क्या ब्रो? वाओ मैं तो खा रहा हूँ यार। ये देख सकते हैं आप, ये पनीर टिक्का एंड राइस। वाओ ये क्या है भाया? तो दोस्तों भी रात के 10:30 हो गए हैं, सारी मीटिंग निपटा दी है। कल सुबह 6 बजे सातल में पहुँच जाने, उतने ठंडे में बहुत बड़ी बात है। और सारे अरेंजमेंट्स करने हैं, देखते हैं क्या होता है। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं पर हम भी बैच 99 है। फिर मिलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय वेरी फर्स्ट व्लॉग। यानी कि आज पहली बार मैं कैमरे के सामने वीडियो बना रहा हूँ आपके साथ। मैं भी खुद को देखूंगा कि आखिर कैसी वीडियो बनती है। तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज फेस रिवील की जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो आज शूट होगा सातल पे। अभी सुबह के 6 बजे और 7:30 के आसपास हमको सातल पहुंचना है पूरा रेडी होके। सो अभी भी बस मैं उठा ही हूँ एंड जो भी आज का पूरा दिन रहेगा आपको मैं इस ब्लॉग के अंदर दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी आज गाइस फटाफट मैं फ्रेश हो जाता हूँ, बिल्कुल भी लेट नहीं होना है, उसके बाद मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों। निकल पड़े हैं आखिरकार सातल के लिए, बिल्कुल फर्स्ट क्लास नहा धो के अब जाना है। रेड किमनो ड्रेस पहननी है, जलवा दिखाना है। लेट्स सी कैसा रहता है। सबसे चैलेंजिंग टास्क है आज का दिन। वैसे जो फेसिवल का जो एंडिंग पार्ट है उसको सबसे पहले हम इसीलिए शूट कर रहे हैं ताकि जो चैलेंजिंग पार्ट है वो यही है फेसिवल का। तो हमने सोचा कि सबसे पहले एंडिंग सीन को शूट कर लेते हैं। वैसे अभी तक तो आप लोगों ने मेरा चेहरा देख लिया होगा, लेकिन असल में आज की डेट में फेसिवल नहीं हुआ है, इसलिए मास्क पहन के गाड़ी चलानी पड़ रही है। आगे से पहचान नहीं होगा। आखिरकार पहुंच गए हम लोग सातल में और सब गाड़ी वगैरह अरेंजमेंट हो गई है। हमारी एक्ट्रेस है, मेन एक्ट्रेस थार, ब्लैक थार। और चलो अब चल के देखते हैं क्या क्या अरेंजमेंट्स हुए हैं। काफ़ी सुबह वैसे आ गए थे डायरेक्टर लोग। लेट्स सी, आ जाओ। तो भाई साहब हमारे डायरेक्टर साहब दिख रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है। आप लोग फाइनल प्रोडक्ट जो आ रहा है बहुत खराब है। महंगी बात चीन का है। तो कुछ हटाना भूल गया है, गैस कर क्या? दिमाग से याद आने लगा।
नीचे एक साथ रख लेते हैं, दिक्कत करना पूरा प्रिपेयर्ड हो गए ऊपर से नीचे तक। इसको इस तरफ मत रखो, इस तरफ दोस्तों। प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले पहले भगवान का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। आइए दोस्तों, फॉर शूट पर पूरा वगैरह अच्छे से हो गया। दोस्तों यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हम एंडिंग सीन अब सीधे शाम को करेंगे, क्योंकि बोट वाला सीन दिन की लाइट में शूट नहीं हो सकता था और सुबह हम ऑलरेडी लेट हो गए थे, तो हमने डिसाइड करा कि उसको हम इवनिंग में शूट कर लेते हैं, बाकी सीन्स अभी शूट कर लेंगे। डबल कर लो ना, डबल ट्रिपल हो रही है, यहाँ प्रॉब्लम हो रही है या मास्क अच्छा तो है पर पल के झपकाने में आंखों में टकरा रहा है। अरे फिर अब शुरू स्टार्ट करो, जय माता दी। ओ तेरी भाई यूट्यूबर तू बोलता है भाई। लौंडे बैठे थे, लौंडे के बंदे कैमरा कट गया, उसके पर्सपेक्टिव में लौंडे बैठे हैं, यहाँ पर कोई लौंडे के पर्सपेक्टिव में वो बैठा हुआ है। अरे कहना क्या चाहते हो? बैज 19 है। थक गए भाई, बहुत थक गए यार, खड़े खड़े एक ही सीन 10 बार देना पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं, एक्साइटमेंट बहुत है। और मैं सुबह से अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूँ, 3 घंटे हो गए अब तक मेरी बारी भी नहीं आई और ना खाना आया। ऑन द स्पॉट 3-3 नए नए 4-4 एक्टर चूज कर दिए लोगों ने और उनका शूट भी खत्म हो गया और जो बंदा पहले से सिलेक्टेड था उसका अब तक कैमरे में चेहरा तक नहीं आया, ये क्या बात हुई। मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड, काफी अच्छे शॉट्स आए हैं फिलहाल। मैं पिता वक्त आ गया है कुछ खाना खाने का, बिना किसी मेहनत के खाना खाने का मजा ही कुछ और। मेहनत तो मैंने करी है, मैं तो शुरू कर देता हूँ। अब देना बुक करो रिएक्शन। खाना खा लो ना, मैं खा जाऊंगा। दोस्तों चेजिंग सीन की बारी आ गई है और अब हम स्कूटी पकड़ाने वाले हैं हमारी हीरोइन को। उसने कहा, जिसने उसे कहा था, उसने कहा मेरे से रेस दो, मैंने ऐसे Thank you.
हीरोइन का वेट करते हुए क्या कहना चाहोगे? अभी हीरोइन गई है लेकिन वापस नहीं आ पाई है, पता नहीं क्या हुआ है। अभी जाते हैं पता करने। स्कूटी मोड़ना नहीं आ रहा है। उसको बोला था कि जाके वापस आने, अभी वो गायब हो गई, वापस नहीं आ रही है। गाइस रिया भाग गई, स्कूटी लेके भाग गई। Women. चेजिंग वाला कंप्लीट हो गया है, वापस से जा रहे हैं लेक में, और अब होगा असली फेवरेट शॉट जो हम कह सकते हैं, लेक वाला सीन, वहीं पे मिलते हैं। कैसा लग रहा है सर? मज़ा आ गया एकदम, चेजिंग सीन हो रहा है, बहुत ही घातक कार का ओनर से मिली है, शिवांग द राइडर, उसकी ड्राइविंग भी दिखाएंगे किसी दिन, और अब आने वाला है असली भाई का सीन, एंडिंग सीन। अरे सिर्फ 5-10 सेकंड का सीन है, उसमें से सुबह से रुका हुआ है, अब इसका सीन आ रहा है। तो गाइस अब वो मोमेंट आ गया है जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, रेड क्रिमिनल की पूरी ड्रेस हम लोग पहनने वाले हैं। और जैसे ही हम लोग अपना एंडिंग शूट पार्ट करने के लिए निकले, उसके बाद हमारी पूरी टीम के साथ कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इस प्रॉब्लम की वजह से हमारा पूरा बैच 99 फेस रूल प्रोजेक्ट बहुत बड़े रिस्क में पड़ गया था।